Welcome back to Economics Learning. Today we discuss differentiate between partial equilibrium and general equilibrium analysis. आज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बारे में डिस्कस करना है कि क्या इसके अंदर डिफरेंस है पड़ा। तो फर्स्ट हम देखेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम को। पार्शियल इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स विच टेक इनटू कंसीडरेशन ओनली अ पार्ट ऑफ द मार्केट टू अटेन द इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है ना इकोनॉमिक जो है ना इसके जो थ्योरी है इकोनॉमिक्स की थ्योरी उसके नजरिए में तवाजन की एक शर्त है कंडीशन के तौर पर है पड़ा जो इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए बाजार के सिर्फ एक हिस्से को मद्देनजर रखती है मार्केट के एक हिस्सा है उसको मद्देनजर रख रही होती है। इट स्टडीज द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल अपॉन द अदर विदाउट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर। ये दूसरे जो फैक्टर है उसके असर पर गौर किए बगैर एक मुतैयर जो है ना उसके दूसरे पर असर का मुतालिया करता है जो कि ये दूसरे अवामिल जो है पड़ेगा उसके लिए मुतैयर है फैक्टर है मुतालिया कर रहा होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड इज डिफाइंड इन रिलेशनशिप विद द प्राइस बाय कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। जो डिमांड है पर उसके जो लॉ है डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जो है उसकी जो प्राइस है उसके साथ दूसरे तमाम जो फैक्टर है पड़ेगा उसके रख कर किया जाता है क्या किया जाता है मुतालिया किया जाता है। लॉ ऑफ डिमांड जो है ना उसको रिलेशनशिप प्राइस के साथ रख के फिर उसको दूसरे फैक्टर जो है ना वो कॉन्स्टेंट रख के उसको स्टडी किया जाता है। अब बात करते हैं जनरल इक्विलिब्रियम की। जनरल इक्विलिब्रियम is the equilibrium that studies an economic phenomena by taking all the aggregate units in the economy into consideration। ये जो है ना general equilibrium वो तवाजन होता है वो equilibrium है जो economics की तमाम मजमू जो इकाइयां हैं पर units हैं पर उसको मद्देनजर रखकर किसी माशी रुझान का मुतालिया करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट प्राइसेज मेक डिमांड फॉर ईच कमोडिटी इक्वल टू सप्लाई एंड फैक्टर प्राइस मेक द डिमांड फॉर ईच फैक्टर इक्वल टू सप्लाई। प्रोडक्ट जो है पढ़ेंगे इसकी जो प्राइसेज है पढ़ेंगे जो इसकी प्रोडक्ट प्राइसेज है वो हर शेयर की जो डिमांड है इसकी जो सप्लाई है उसके बराबर बना रही होती है और जो प्राइस है प्राइस फैक्टर जो है ना तो वो जो है ना उसके आंसर जो डिमांड की इसकी जो सप्लाई होती है उसके बराबर बनाती है ताकि तमाम जो प्रोडक्ट्स है ना उसकी जो मार्केट और फैक्टर मार्केट है तो एक वक्त इक्विलिब्रियम में हो सके। पार्शियल इक्विलिब्रियम ये था ना वो मेजर जो इकोनॉमी है ना किसी मखसूस हिस्से या तबके पर तवज्जो है ना उसको मकबूल कर रहा होता है मान लेता है कि बाकी जो एक मेजर है ना वो बदस्तूर बरकरार है पड़े और मुख्य बाजार जो है मार्केट में सारे उसको नजरअंदाज कर देता है और जो जनरल इक्विलिब्रियम है ना वो पूरी मेशर जो है उसको मजमू तौर पर जायजा ले रहा होता है मुख्य मार्केट के दरमियान जो मामलात होते हैं और बहमी अनुसार होता है उस पर भी गौर व फिक्र करता है फर्ज करता है कि एक मार्केट है उसमें जो चेंजेस मेशर में दूसरी मंडियां जो है ना उसमें मार्केट में उसको मुतासर कर सकती है। अगर इसमें हम अजम्पशन को देख लेते हैं तो इसमें जो फर्स्ट आता है जनरल इक्विलिब्रियम पार्शियल इक्विलिब्रियम तो उसके अंदर जो है ना फर्ज करता है कि मुतलका मार्केट जो है उसमें प्राइस और जो मकदारे है ना क्वान्टिटी रहती है फर्ज करता है कि एक मार्केट में जो चेंज है दूसरी मंडियों को मुतासर नहीं करते। अगर जनरल में यही चीज देखते हैं तो मुख्यम मार्केट के दरमियान का मामलात को मद्देनजर रखता है फर्ज करता है कि जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर एक मार्केट में होने वाली चेंजेस है उसके असरात पूरी मेशर के लिए पर भी पड़ सकते हैं। अगर मार्केट डायनेमिक्स को देखें तो पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है इसके अंदर एक मखसूस मार्केट में डिमांड और सप्लाई की जो हरकियात होती है ना उसमें मूवमेंट हो रही होती है उस पर तवज्जो देता है दूसरे जो मार्केट है उसके असरात जो होते हैं उसके असरात जो होते हैं उसको नजरअंदाज करता है
जर्नल की अगर देखते हैं जर्नल इक्विलिब्रियम में, तो ये तस्वीर करता है कि एक मार्केट में चेंजेस आती है और दूसरी मार्केट में एडजस्टमेंट का बायस बन सकती है। मिलियन जो होती है मार्केट होती है उसके दरमियान में बहम रब्त और फीडबैक लोकल स्टॉक कैप्चर करता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम जो होता है ना वो तन्हाई में मखसूस मार्केटों या संतों का तजिया करने के लिए मुफीद है। बड़ा कलील टाइम पीरियड जो शॉर्ट टाइम पीरियड है उसके एनालाइज के लिए मौजूद है। यहाँ दीगर जो बाजार मार्केट और पर असरात को कम से कम समझा जाता है, और जो जनरल इक्विलिब्रियम होता है ना वो लॉन्ग टर्म और इकोनॉमी के वसी असरात के हालते हैं उसका मुताला करने के लिए मौजूद है। बड़ा बेशक के एक हिस्से में होने वाली चेंजेस है पूरे निजाम पर किस तरह असर अंदाज होती है इस नजरिया में हकीम फ्राहम करता है जनरल इक्विलिब्रियम जो होता है। और पार्शियल इक्विलिब्रियम को अगर देखते हैं तो इसकी जो तंग तवज्जो है फिर इसकी जो तवज्जो होती है ना उसकी वजह से आमतौर पर आसान और ज्यादा काबिल इंतजाम है। अगर हमेशा की मुकम्मल पेचीदगी पर कब्जा नहीं कर सकता और अगर देखते हैं जो जनरल इक्विलिब्रियम मुतदिल मार्केट में मामलात को मॉडल करने की जरूरत की वजह से ज्यादा पेचीदा हो चैलेंजिंग है फिलहाल, और मेशत के अंदर एक ज्यादा जामे नजर जो है ना वो फ्राहम करता है। अगर आप देखते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम का जो तरीका है मखसूस मार्केटों पर जोन इन होता है, बाकी जो मामलात मेशते हैं फिर इकोनॉमी है फिर उसमें अलग थलग होता है, जबकि जो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है उसमें मेशत की तमाम मार्केट्स के दरमियान जो मामलात होते हैं और महमूल इसार है उस पर गौर करता है क्योंकि पैकेज और मतलबा जो तफसील होती है उसकी सतह पर मुनसर है। हर मतलब अगर मुख्य जो है ना उस पर इंटेक्ट पर काबिल कदर होता है। तो ये था। थैंक यू।